देखो राधा, इस बार मैंने कुछ अलग तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। देखकर लगता है ये सब बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। सच कहा, मूर्तियाँ तो सच में बहुत ही सुंदर बनी हैं। लगता है आज बाजार में हमारी सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी, है ना? हाँ, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। आज अगर बिक्री अच्छी तरह से हो गई, तो मैं एक कढ़ाई खरीद लूंगी वहाँ से। मेरी कढ़ाई बिल्कुल खराब हो चुकी है। हाँ, फिक्र मत करो राधा, सिर्फ कढ़ाई क्यों, साथ में पकड़, पलटा और कुछ नए बर्तन, जो कुछ भी चाहिए सब खरीद के दे दूंगा तुम्हें। हाँ। ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कढ़ाई की ही जरूरत है, जिसमें मैं आपके लिए अच्छे से खाना बनाकर आपको खिला सकूं। और क्या, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ राधा, तुम तो अच्छे पकवान बनाकर खिलाना चाहती हो, लेकिन अच्छे पकवान बनाने के लिए अच्छा सामान भी तो चाहिए ना। अनाज, सब्जियाँ, मांस, मछली, दूध, ये सब तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगा राधा। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, देखिएगा एक दिन हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। आइए आइए, ऐसे खिलौने लाया हूँ कि आप नजर हटा नहीं पाएंगे। आइए, रंगे प्यारे खिलौने, आइए आइए, ले जाइए, आज ही ले लीजिए वरना बाद में पछताएंगे। आइए, बच्चे बूढ़े जिन्हें भी देंगे वही इन खिलौनों को देखकर खुश हो जाएंगे। आइए आइए आइए, ले जाइए ले जाइए। आज तो एक भी खिलौना नहीं बिक पाया जी। मुझे लगता है मेरे बनाए नए खिलौने किसी को भी पसंद नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सुंदर खिलौने आपने कितनी मेहनत से बनाए हैं। ये बात नहीं है राधा, बात तो ये है कि हमने सोचा था कि अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे लिए एक नई कढ़ाई खरीदूंगा, लेकिन अब तो कढ़ाई क्या, चावल दाल भी नहीं खरीद पाऊंगा मैं। आप दुखी मत होइए जी, आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भरकर पानी पीकर सो जाएंगे। अब चलिए, अभी शाम हो जाएगी। क्या हुआ बच्चों, ऐसे देखकर क्यों चले जा रहे हो? ऐसी चीज फिर नहीं मिलेगी, बस एक ही बची है, आओ आओ। अब आपसे क्या बताऊं माँ जी, सोचा था कि आज बाजार से एक कढ़ाई खरीद कर लौटूंगा, पर कढ़ाई खरीद नहीं पाए, यही ना, दुखी मत हो जाना मेरा बच्चा, ये कढ़ाई ले जाओ, जाओ ले लो। नहीं 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 बूढ़ी माँ, आज हम लोग कढ़ाई नहीं खरीद पाएंगे, आज हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं जानती हूँ, आज तुम लोगों की बिक्री नहीं हुई है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है पैसे, तुम लोग ये कढ़ाई ऐसे ही ले जाओ। आप हमें ये कढ़ाई बिना पैसों की दे देंगी? किसने कहा कि मैं बिना पैसों में ये दे दूंगी? तुम लोग अपने थैले से एक खिलौने मुझे देख के जाओ, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी, कहाँ मेरे खिलौने का मूल्य और कहाँ आपके इस कढ़ाई का मूल्य? हाँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि कितनी मेहनत करके ये खिलौने बनाते हो तुम लोग, और मेहनत का मूल्य कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता मेरा बेटा। ये लो पकड़ो, अभी मुझे बहुत दूर जाना है मेरा बेटा, ये कढ़ाई लो लो। आहा, ये कढ़ाई घर लेके जाओ और जो मन करे वो बना के खाओ, ठीक है? अब बहुत अच्छी है बूढ़ी माँ, पर हमारे घर में तो चावल दाल सब्जियाँ कुछ भी नहीं है, क्या बनाकर खाएंगे हम, बताइए। बोला तो मैंने, जो आए मन में वही खाना बना के, सिर्फ बोलना खाली क्या खाना है,
वही बन जाएगी। वो कढ़ाई में जो भी मन करे वो बना के खा सकते हो, और देखना वैसे ही खाना बन जाएगा, और देखना बिल्कुल अच्छा खाना बन जाएगा। समझ गए? खुश रहना मेरा बच्चा, चल। सुनो, माँ जी ने जैसा कहा है क्या वो सच हो सकता है? एक बार इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा कर देख ही लेती हूँ। पर खाली कढ़ाई को चूल्हे पर रखने का क्या फायदा? अगर मैं कहूँ कि कढ़ाई मेरा मन मछली खाने का है तो क्या ये कढ़ाई मुझे वो बना कर देगी? देगी जी, जरूर देगी। बूढ़ी माँ की बात याद नहीं है क्या? दे दो कढ़ाई वही पकवान, खाना चाहे जो हम इंसान। ये देखिए देखिए। अरे अरे, ये क्या, ये कैसा चमत्कार है? मैंने आपसे कहा था ना, बूढ़ी माँ की कढ़ाई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है जी, ये तो एक जादुई कढ़ाई है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा राधा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आज से हमारे दुख के दिन खत्म हो गए राधा, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए राधा। हाँ जी हाँ, ये सब उन बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। मैं क्या बोल रहा हूँ राधा, सुबह से काम करके मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चावल तो बन गए हैं, आप उसके साथ क्या खाएंगे बताइए? अब तो हमारे पास जादू ही कढ़ाई है। तो फिर चिंता क्या है, आज जरा मजेदार सब्जी बना दो ना। कढ़ाई ठीक से काम कर रही है या नहीं ये जानने के लिए मन बहुत ही बेचैन हुआ जा रहा है मेरा। कढ़ाई अपना काम जरूर ठीक से करेगी। दे दो कढ़ाई वही पकवान, खाना चाहे जो हम इंसान। अरे अरे, क्या बात है? आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। सच में राधा, ऐसा लगता है कि खाने के पहले ही मन भर जाएगा। देखो देखो, कहीं ऐसी सुगंध सूंघकर पड़ोसी दौड़ करना चले आया। अरे सुधा, तुमने रसोई में चूल्हे पे कुछ रखा है क्या? अरे वाह, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तो सुबह ही खाना बना लिया था। ये सुगंध तो पास वाले राधा के घर से आ रही है जी, वो तो पता नहीं क्या क्या पकाती रहती है। तो खाने के लाले पड़े रहते हैं, वो इतने अच्छे पकवान कैसे बना सकते हैं? मैं भी तो वही सोच रही हूँ, आजकल हमेशा ही उनके घर से खुशबू आती रहती है, पता नहीं कैसे आती है। नहीं, मुझे तो किसी दूसरे चीज की खुशबू आ रही है। चलो ना, जरा देख कर आते हैं आखिर मामला क्या है। भूषण, हर काम में बहुत व्यस्त हो यार। अरे भाई रवि, क्या बात है, आज अचानक मेरे घर पे, तुम तो कभी नजर ही नहीं आते हो भाई। इसीलिए तो आज हम लोग चले आए। ऐसे समय पर आए हैं आप लोग, अब तो हमारे घर खाना खा कर ही जाना होगा आपको। सुनिए, आप भी तो कुछ बोलिए। हाँ 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 भाई रवि, आज रात का खाना यही खा कर जाना। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आजकल राधा इतने अच्छे पकवान बनाती है कि सुगंध से ही हम अपना पेट भरते हैं। ओहो, तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे खर्च कम हो गए हैं। सुनिए, आप लोग बातें करिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। लगता है आजकल आमदनी कुछ अच्छी हो गई है भूषण। आखिर बात क्या है, रोज रोज इतने अच्छे अच्छे पकवान लाते कहाँ से हो भाई? सब ऊपर वाले की कृपा है भाई। बस
अब खीर बना ही लेती हूँ। दी दो कढ़ाई वही पकवान, खाना चाहे जो हम इंसान। ओ, अच्छा तो ये बात है। हाँ, अच्छा तो राधा के हाथ में जादुई कढ़ाई लग गई है। आज रात को ये कढ़ाई मैं चुरा कर मेरे घर में लेके जाऊंगी। अरे वाह, मेरे हाथ में जादुई कढ़ाई। अरे सुधा, जरा जल्दी करो, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। चूल्हा तो अभी जलाया, कढ़ाई तो चढ़ाने दीजिए मुझे, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। बस चढ़ाने से थोड़ी हो जाएगा, क्या खाना है वो भी तो कहना होगा ना। सिर्फ वो कहने से नहीं होगा, साथ में एक मंत्र भी पढ़ना होगा, वो भी मैंने सीख लिया है। आप चिंता मत कीजिए, खाना बन जाएगा अभी और खुशबू भी आएगी। तो फिर मंत्र पढ़कर बनाओ जरा बकरे का मांस। अब बकरे का मांस खाऊंगी, बकरे का दे दो कढ़ाई। हाँ, क्या कहा था? ये ले लो, दे दो, बहा दो, क्या याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे अरे, याद आ गया मुझे, भर भर के खाना। वो देखो, जैसा हमने सोचा था वही हुआ, हमारी कढ़ाई चुरा के ये लोग खुद खाना बना रहे हैं। पर मंत्र तो गलत पढ़ रहे हैं, क्या कढ़ाई में पकवान बन पाएगा? ओ सुधा, अरे कुछ भी तो नहीं पक रहा है। अरे जरा रुकिए तो सही, एक बार फिर से मंत्र कहती हूँ। अभी अभी बकरे का मांस खाऊंगी, दे दो कढ़ाई भर भर के, जैसा चाहिए बहुत सारा, दे दो भर भर के जैसा चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कढ़ाई भर कर बाहर गिर रही है। ओ, ये कैसी कढ़ाई है? ये क्या कढ़ाई? गलत मंत्र पढ़कर अपने विनाश को खुद ही बुला लिया इन लोगों ने। राधा, जो होना था वही हुआ है, लालच का फल तो हमेशा बुरा ही होता है।